کسی سے بھیک مانگتے شرم کرو شرم کرو کسی سے شرم کرو شرم نہیں تو ڈوب مرو ڈوب مرو ڈوب مرو ارے شرم کرو شرم کرو کسی سے شرم کرو شرم نہیں تو ڈوب مرو ڈوب مرو ڈوب مرو ارے بھائی جان سے تم ایک کام کرو اسی چھوڑو آرام کرو ارے بھائی جان ایک کام کرو اسی چھوڑو آرام کرو लॉ स्टूडेंट आज हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स ने बायकॉट की है अपनी क्लासेस। हमारा मुद्दा यह है कि रूसा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के ए प्लस ग्रेड होने के बाद 100 करोड़ रुपए का जो फंड दिया था 85 करोड़ रुपए का फंड जो है जम्मू यूनिवर्सिटी का 31 मार्च तक लैक हो जाएगा क्योंकि उन्होंने यूज़ नहीं किया और अब उनको वापस करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको ए पास ए प्लस का ग्रेड हो, वह अपने पी जी के स्टूडेंट और नेट जी आर एफ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। हमारे यहाँ पे हमारे बीच कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके पास नेट भी है और जीआरएफ भी है पर जम्मू यूनिवर्सिटी की डेलिब्रेटली गलती के कारण उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और हमारे से ए प्लस ग्रेड होने के बाद 1000 रुपया वाईफाई का चार्ज किया जाता है जो कि गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि जो यूनिवर्सिटी ए प्लस है वो अपने बच्चों से वाईफाई का चार्ज नहीं ले सकती। और आपके समक्ष एक बात और रखना चाहता हूँ कि हमारा गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक हॉस्टल बनाया गया था जम्मू यूनिवर्सिटी ने 2 साल से तैयार पढ़ाया लेकिन ठेकेदार के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी की किसी जो आपसी मतभेद के कारण पूरा हॉस्टल जो तैयार है वो बच्चों को अलॉट नहीं किया जा रहा। 2 साल से बच्चे खासतौर पर हमारी बहनें लड़कियाँ दर बदर हो रही हैं। वीसी साहब से जब ये बात करने जाओ तो वो हमेशा टाल मटोल करते हैं। ये गुस्सा स्टूडेंट्स का आज उभर के बाहर आया है और तब तक क्लासेस बायकॉट की जाएंगी जब तक हमारे मसले हल नहीं किए जाएंगे। दे रहे हैं ये लोग, हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फी सबमिशन भी करवाई है लेकिन वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे तो उसकी प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हॉस्टल्स को लेके प्रॉब्लम है गर्ल्स को। अभी तो गर्ल्स सामने नहीं आते क्योंकि उनको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम बोलेंगे। किस बात का डर है? जनरली बच्चे डरते हैं कि पता नहीं, डर लगता है शायद उनको, लेकिन फिर भी हम बहुत प्यार तरीके से बोलते हैं उनको कि हमें ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाए।